नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुन रहा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है। एक बहुभुज है और उसमें भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो यहाँ पर हम सीधा सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसका सूत्र होता है एन ऋण दो गुना 180 अंश। अब एन बराबर, ये तो एन बराबर होता है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितना है 8, तो हम मान रख देंगे यहाँ पे एन की जगह 8 रख देंगे, तो हो जाएगा 8 ऋण 2 गुना 180 अंश। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 6 गुना 180 अंश। अब हम गुना कर देते हैं तो 6 शून्य 0, 6 8 48 का 8, 80 लगा 4, 6 कम 6 और 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 1080 अंश। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो अंतः कोणों का योग होगा 1080 अंश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अगर ऐसे ही कोई दूसरा प्रश्न भी आपको दे दिया जाए, भुजाओं की संख्या पूछा जाए, तो आपको यही सूत्र लगाना है और एन की जगह अगर 10 दिया है या 12 दिया है या 15 दिया है तो मान रखना है और घटाना है और उसको 180 के साथ गुणा कर देना है, फिर आप आसानी से कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।